बात हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले जो यहां से संबोधन है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, उसके बाद सीएम योगी का संबोधन भी होगा। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको सीधा दिखा रहे हैं लखनऊ से, ये लाइव तस्वीर आप मन से देख रहे हैं, और अब आप सुनिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को। हमारी बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रदेश के 80 माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के 80 उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी आदरणीय सुनील ओझा जी, आदरणीय संजीव चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री संगठन आदरणीय धर्मपाल जी। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे आदरणीय विनय कटियार जी, रमापति राम त्रिपाठी जी, हमारे अध्यक्ष रहे सरकार में मंत्री आदरणीय डॉक्टर आदरणीय स्वतंत्र देव जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद आदरणीय बहन रेखा वर्मा जी, आदरणीय हरीश द्विवेदी जी, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजीव बालियान जी, आदरणीय डॉक्टर पंकज चौधरी जी, आदरणीय जनरल वी के सिंह जी, आदरणीय कौशल किशोर जी, आदरणीय बहन साध्वी निरंजन ज्योति जी, आदरणीय श्री भानु प्रताप वर्मा जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज हम लोग लखनऊ में कार्य समिति में बैठक में मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो 16-17 जनवरी को नई दिल्ली में आहूत की गई थी, उसी परिप्रेक्ष्य में उन कार्यक्रमों को, अभियानों को लेकर केंद्र ने तय किया कि 26 जनवरी तक सभी प्रदेशों को कार्य समिति की बैठक करनी है, और उन कार्य समिति की बैठक में इसी एजेंडे पर चर्चा करनी। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग एक सामूहिक यहाँ बैठे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गोमती नदी की कलकर करती ध्वनि के बीच लखनपुरी भाजपा के शंखनाद से ध्वनित है। शंखनाद की गूंजी ध्वनि के बीच आज मैं सभ्यता और संस्कृति रची बसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। राम कृष्ण और शिष्य के त्रिकोण एवं गंगा यमुना के दुआब के मध्य में निर्मित उत्तर प्रदेश सतयुग से कलयुग तक परंपराओं, सांस्कृतिक सम्मिलन और आराधनाओं के अवतारों का प्रदेश रहा है। यह वह प्रदेश है जिसने कौशल राज्य का प्रताप देखा, यह वह प्रदेश है जिसने वेद की ऋचाओं को समारा है, यह वह प्रदेश है जिसने भारत की गुलामी को जंजीरों से मुक्त करने के लिए अनगिनत बलिदान किए हैं, यह वह प्रदेश है जो आज वर्तमान में राम राज्य की संकल्पना को लेकर एक बार से फिर समर और समझ रहा है। भाइयों बहनों, राम राज्य के स्वप्न को अपने मन में सजोने वाले हम सभी इस विशाल कक्ष में एकत्रित हैं। आज से लगभग 5 महीने पूर्व मेरे जैसे कार्यकर्ता को आपने इस भूमिका का काम दिया है। पिछले महीने आप सभी के संप्रयास और सहयोग के कारण उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने कई इतिहास रचे हैं। संसदीय उपचुनाव में हमने विपक्ष से उसका आधार छीना है, और उपचुनाव तक विपक्ष को यह बता दिया कि अब दिल्ली उनसे बहुत दूर है। सफलता के मध्य हमने असफलता भी देखी है, और हम सब जानते हैं कि पराजय का डर अंदर से ही आता नहीं है, बल्कि हमारी यात्रा के हर पड़ाव में सभी को दोगुनी शक्ति हर बार दी है, और मुझे इस बात का विश्वास है और हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। क्या हार में, क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत हम
कर्तव्य के पथ पर जो मिले यह भी सही वो भी सही, इस सूत्र को लेकर हम अपने पथ पर चैरवती चैरवती के मंत्र लेकर निरंतर गतिमान है। इसलिए हमारा संगठन सतत प्रभावान है। हम उस मदमस्त संत की तरह हैं जो अपनी रामधुन में सदा आगे बढ़ता है और पीछे मुड़कर नहीं देखता। हमने सीखा नहीं है, जय और पराजय हमको न क्लांत करते हैं न परेशान करते हैं। लोकतंत्र को लोक पर्व की तरह मानकर हम लोग सब गतिमान रहते हैं। सतत गतिल सहती रहते हुए हम 29 मई 2022 को हम सब लोग मिले थे। आज लगभग 7 महीने बाद हम पुनः मिल रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत विभिन्न वैश्विक मंचों पर भारत की छवि एक निर्णायक और दूरदर्शी वैश्विक भविष्य के प्रति सजग प्रहरी एवं सशक्त राष्ट्र के रूप में हुई है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।